सो गाइज यार कुछ उस टाइप की वीडियो बनाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। एंड लास्ट तक देखोगे ना आपका ही फायदा है। इसमें एक बोनस टिप बताऊंगा, तो बोनस टिप के लिए एंड तक देखना पड़ेगा। तो गाइज जो भी मटेरियल्स वगैरह ना वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर टैप करने के बाद टॉप नंबर पर वेबसाइट आएगा, उस पर टैप करें एंड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको मतलब कि जब लिंक पर दिखेगा ना, वहाँ पर एक RC करके कुछ नंबर होगा, 650 82 ऐसे समथिंग होगा, तो आप देख लेना एंड वो आप सर्च मार के इजिली से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, मटेरियल्स को सारे डाउनलोड कर लेना एंड वहाँ पे ना बहुत सारे मतलब कि बैकग्राउंड्स के लिंक मिलेंगे, तो आपको और कोई वीडियो में जम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आपको जो अपने यहाँ पे अलाइट मोशन को ओपन करना, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे टैप करना एंड यहाँ पे 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना, देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना। गाइस कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएगा, देन इसको क्रॉस कर लेते हैं एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ गया। गाइस जो भी फॉर्मेट चाहिए ना आप यहाँ से चूज कर सकते हो। आपको सिंपल से प्लस वाले आइकन पे टैप करना, अदर कोई रेशियो सेलेक्ट करना, कोई सा भी तो चूज कर सकते हो। यहाँ पे 9:16 वाला देखते हैं, देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे एंड फाइनली कुछ इस से आ जाएगा गाइस एंड इसको क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। आ जाने के बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे टैप करना है, मीडिया के ऑप्शन में जाना गाइस एंड देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे मैंने बैकग्राउंड आपके लिए रखे हुए, तो कोई सा भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एंड आपको इस पे टैप करना, थिएटर पे टैप करना, फील्ड कॉम्पोजिशन एरिया कुछ इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना टेक्स्ट लिखना, जो भी लिखना चाहते हो प्लस वाला आइकन पे टैप करना, टेक्स्ट पे जाना एंड यहाँ पे हम सिंपल अपना चैनल का नाम लिख लेते गाइस एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैंने लिख लिया। एंड लिख लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कलर है, इसको कलर को वाइट को सिलेक्ट करना एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना एंड यहाँ पे जो लास्ट वर्ड भी बड़ा कर लेते हैं एंड यहाँ पे ये जो ऑप्शन है देख सकते हैं, इस पे टैप करना, व्यू ऑल फॉन्ट पे टैप करना, थिएटर पे टैप करना एंड इंपोर्ट फॉन्ट पे, ठीक है देख ले। एंड यहाँ पे आपको जिस भी फोल्डर में आपने फॉन्ट डाउनलोड करके रखा ना, उस वाले फोल्डर में जाके फॉन्ट को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे हम चलते हैं डाउनलोड के फोल्डर में एंड कुछ इस टाइप से ये वाला फॉन्ट है गाइस, देख सकते हो अर्बन जंगल करके, इसको सिलेक्ट करना, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे सर्च मारना, ये रहा फॉन्ट, इस पे टैप करना एंड फाइनली आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट पूरा तैयार हो गया। तो इसको हम सबसे पहले इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे इस पे टैप करना एंड मूव एंड ट्रांसफर में राइट से थर्ड ऑप्शन, इस टाइप से इसको बड़ा कर सके एंड जितना भी आप रखना चाहते हो ना इस टाइप से यहाँ पे इसको सेट कर देना गाइस। तो देख सकते हो फाइनली हमारा सेट हो गया एंड आपका जो है देख सकते हो बन के तैयार हो गया। यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड लाना चाहते हो ना वो बैकग्राउंड ला सकते हो, जैसे मैंने एक ये बताया तो इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए सेटिंग की राइट से आइकन उस पर टैप करना, करंट फ्रेम एज PNG पे एंड जैसे एक्सपोर्ट पे टैप करोगे ना, इस फ्रेम मैंने क्रॉप हो गया इमेज के फॉर्म में आ जाएगा, देन आपको वीडियो बनाना भी सिखाऊंगा। तो इसको सेव करते हैं क्लोज करके एंड इसको जो है डिलीट कर देते गाइस बैकग्राउंड को, देन फिर से प्लस पे टैप करेंगे मीडिया के ऑप्शन में एंड यहाँ से अदर कोई बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते गाइस एंड इस टाइप से इसको हम इसको पहले फॉन्ट को बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लेते हैं एंड करने के बाद इसको क्या करना, इसको ऊपर की ओर लाना एंड फाइनली यहाँ पे हम रख देते हैं कुछ इतने पे, ठीक है देख सकते हो फाइनली हमारा बन गया। यहाँ पे रख लेते हैं गाइस, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे ना वहाँ पे आपको क्या करना, इसको सेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे भी सेट हो गया, जहाँ पे भी जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, देन इसको भी एक्सपोर्ट करते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड दिए हुए गाइस एक एक करके, आप जो भी आपको अच्छा लगे ना वो चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक और बैकग्राउंड बताता हूँ जो कि मेरे को सही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे की ओर चलते हैं एंड ये वाला बैकग्राउंड गाइस एंड इसको पहले फॉन्ट को ओपन करेंगे एंड इसको टैप करके, थिएटर पे टैप करके फील्ड कॉम्पोजिशन एरिया एंड इसको हम मिडल में कर लेते हैं कुछ इतना, देख सो गाइस फाइनली हमारा बन गया। इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेंगे एंड हमारा जो है तीन टाइप का मैंने आपको बनाना सिखा दिया, जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो लिख के आप देख सकते हो इस टाइप से बना सकते हो, ठीक है। बना लेने के बाद आपको क्या करना, अब आपको कैपकट को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैपकट को ओपन करते हैं, तो हमारा कैपकट ये रहा, इसको ओपन करेंगे एंड कोई सा भी एडिटर ले सकते हो, तो अगर इफेक्ट आपको सेम चाहिए तो कैपकट लेना पड़ेगा। देन न्यू प्रोजेक्ट पे एंड आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले फोटो को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम ये वाला फोटो सिलेक्ट करते हैं, देन ऐड पे टैप करेंगे कुछ इस टाइप से ये आ जाएगा। उसके बाद ऐड ऑडियो पे टैप करेंगे एंड उसी जो हमें वीडियो ऐड किया था, मतलब कि जो हमें वीडियो देखा था प्रीव्यू में, उसी वीडियो का ऑडियो को हम ले लेते हैं। देन ऐड इंपोर्ट्स ऑन साउंड ओनली पे टैप करेंगे, फाइनली यहाँ पे साउंड आ जाएगा। उसके बाद इसको एंडिंग पे टैप करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, इस वाले फोटो को पे टैप करेंगे एंड राइट से इस स्टेप से स्वाइप करेंगे एंड इसको म्यूजिक अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, ठीक है आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हो म्यूजिक को सुनना है एंड म्यूजिक को सुन के ना आपको क्या करना, इसको अपने बीट के अकॉर्डिंग या फिर जैसे आपको अच्छा लगे ना वैसे आपको क्या करना, कट लगाना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक कट लगाते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जितना आपको एनिमेशन देना ना उतना दे सकते हो। उसके बाद आपको जस्ट अपलोड करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला एनिमेशन लेते हैं, एनिमेशन के फोल्डर में जाएंगे, बट ये इस टाइप से आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना, यहाँ पे VPN को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल से हम VPN को टैप करते हैं एंड यहाँ पे हम VPN अपना कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये आ रहा है, देन ऐड शो करेगा, बैग देंगे एंड कनेक्ट पे टैप करेंगे,
फाइनली कनेक्टिंग हो जाएगा। उसके बाद हम रिसेंट से एक कैपकट को एक बार उड़ाएंगे एंड उसके बाद फिर से हमें कैपकट को ओपन करना पड़ेगा एंड सेम प्रोजेक्ट में चले जाएंगे गए वापस से। एंड उसके बाद अब आपको इस पे इमेज पे टैप करना है, एनिमेशन पे जाना गाइस एंड यहाँ पे एनिमेशन फाइनली लोड हो गया। तो कॉम्बो के ऑप्शन में जाएंगे एंड एक एनिमेशन कॉम्बो से लगाएंगे, बाकी पेंडलम वन पेंडलम टू करके लगाएंगे एंड फाइनली हमारा बन जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई सा भी लगा सकते हो गाइस, ये रहा पेंडलम वन पेंडलम टू। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इस पे चलते हैं सबसे पहले, ये वाला लगाएंगे। म्यूजिक भाई लो कर लेते हैं, ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इस पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे हम चलते हैं पेंडलम वन पेंडलम टू पे, कॉम्बो पे जाएंगे एंड यहाँ पे पेंडलम वन गाइस एंड उसके अगले पे जाएंगे एंड यहाँ पे उसके बाद पेंडलम टू एंड यहाँ पे लास्ट पे एक शेक लगा देंगे कुछ अच्छा सा, ठीक है। तो जूम लगा लेते हैं एंड फाइनली हमारा वीडियो बनके तैयार हो गया गाइस। देख सकते हो आपको मैं दिखाता हूँ, पहले म्यूजिक को डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से होगा एंड उसके बाद कुछ ये एंड ये गाइस यार अपलोड करो ना तो जरूर से वायरल जाएगा, मैं भी अपलोड करके देखता हूँ, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना, यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में अपलोड का आइकन, उस पर टैप करोगे फाइनली जो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। उसके बाद मैं बोनस टिप बताने वाला था, ठीक है। तो मैं ना ये वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा तो आपको कुछ इस टाइप से शो होगा, ठीक है। जो है कुछ इस टाइप से रील आ जाएगा, देन आपको नीचे देख सकते हो ये वाला जो दिख रहा है, यहाँ पे कुछ एनिमेशन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देख सकते हो ये जो आइकन आ रहा है ना कमेंट के नीचे जो दिख रहा है, आपने इस पर टैप करना है एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से म्यूजिक ओपन हो जाएगा आपका। तो यूज ऑडियो पे टैप करना एंड इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे टैप करना, देख सकते हैं यहाँ पे जो आइकन है ना यहाँ पे आपको टैप करना एंड यहाँ से अपने वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको एड पे टैप करना एंड फाइनली आपका जो ऑडियो एंड वीडियो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे टैप करना एंड फाइनली आपका जो वीडियो उसी ऑडियो में ऐड होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे टैप करके अपलोड करोगे ना तो उसी जहाँ पे जो ऑडियो था ना उस ऑडियो में ऐड हो जाएगा एंड वायरल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो गाइस यार यही है, वीडियो को अपलोड करें, बनाएं एंड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे कमेंट।